मैं पहले दिल्ली में जॉब करती थी बैंक में, लोन लाइन में. उसके बाद मेरे को थोड़ा, मैंने बोला डांस में शायद बेनिफिट होगा, और तो मजबूरी था इसलिए मैं आ गई. हाँ, मेरी मॉम डैड नहीं है और मेरा शौक भी है डांस का. सब मम्मी पापा नहीं है, बाकी भाई बहन है, तीन भाई है मेरे और चार बहन है मेरे. वो तो देखो पब्लिक है, कोई अच्छे तरीके से भी देखते हैं, कोई गलत निगाह से भी देखते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, और हमारा काम है पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना, हम एंटरटेनमेंट करते हैं. क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मुस्कान, मैं दिल्ली से आई हूँ. मुस्कान दिल्ली से आई हैं, कितने दिनों पहले आई और कब तक यहाँ रहना? मेरे को 20 दिन हुआ है और अभी यहाँ तो एक महीने तक प्रोग्राम चलेगा, 25-30 तारीख तक, तब तक रहना है. एक चीज़ बताइए मुस्कान, कि यहाँ पर आप लोग का रात में कार्यक्रम शुरू होता है 10 बजे से? हाँ. और सुबह कितने बजे तक चलता है आप लोग करके? 7 बजे से होता है. शाम को 7 बजे से होता है, रात को 12 बजे हमारा ऑफ हो जाता है. अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, सरकार ने तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो दी है आप लोगों को, व्यवस्थाएं सही है? हाँ, सही है. अच्छा, दर्शकों को लिए क्या कहना चाहेंगे, जो दर्शक यहाँ पर आते हैं आप लोगों के साथ, कैसा उन लोगों का बिहेव होता है? वो तो देखो पब्लिक है, कोई अच्छे तरीके से भी देखते हैं, कोई गलत निगाह से भी देखते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, और हमारा काम है पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना, हम एंटरटेनमेंट करते हैं. अगर आप सही हो तो पब्लिक सही है, अगर आप गलत निगाह से देखोगे तो वो भी गलत निगाह से देखेगा, जाहिर सी बात है. ठीक है मुस्कान, एक चीज़ बताइए, आप, आपकी उम्र मुझे लगता है अभी 20 से 21 साल होगी. डांस के अलावा क्या क्या करती हैं आप? मैं पहले दिल्ली में जॉब करती थी बैंक में, लोन लाइन में. उसके बाद मेरे को थोड़ा, मैंने बोला डांस में शायद बेनिफिट होगा, और तो मजबूरी था इसलिए मैं आ गई. बताना चाहेंगे आपके मेरे मजबूरियाँ कुछ? हाँ, मेरी मॉम डैड नहीं है और मेरा शौक भी है डांस का, और मॉम डैड नहीं है, थोड़ा सा होता है घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो पर्सनली प्रॉब्लम है फैमिली का. कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे सब मम्मी पापा नहीं है, बाकी भाई बहन है, तीन भाई है मेरे और चार बहन है मेरे. अच्छा, ये बिहार में आप पिछले 20 दिनों से हैं, और यहाँ पर 5-6 रोज पहले इसका शुभारंभ हुआ है प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद. यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब सोनपुर मेले की शुरुआत हुई तब प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, खासतौर पर छपरा जिला के अंदर जाता है, और सारण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लेकर अनुमति नहीं दी थी थिएटर करने की, और मेला तक बंद कराए गए. लोगों का कहीं ना कहीं लगाव इस तरीके से होता है, क्योंकि पूरे 1 साल के इंतजार के बाद सोनपुर मेले का वक्त आता है, और सोनपुर मेले में जैसे ही कार्तिक मास की पूर्णिमा के तिथि से शुरुआत होती है, लोग बड़ी संख्या में आते हैं सोनपुर में, पशु मेले घूमते हैं और साथ ही साथ थिएटर का आनंद लेते हैं. मुस्कान, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने जो तमाम तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ की है सोनपुर को लेकर, आप दिल्ली से आई हैं, बिहार में आकर कैसा लगता है आप लोगों को? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इतना बिहार पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को इतना समझ में नहीं आता भोजपुरी लैंग्वेज वगैरह, और फिर मैं कभी रही नहीं बिहार में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे. बाकी अच्छे हैं, बाकी बिहार वाले अच्छे हैं. मतलब मैं तो बिहार में बस लड़कियों के साथ रहती हूँ, पब्लिक को तो मैंने देखा नहीं है. बिहार के भाषा और थोड़ा रहन सहन तरीका मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो फिर मेरे को दिक्कत होती है. अच्छा, जो डिमांडिंग होती है लोगों की, जो आपके सामने जो लोग बैठे होते हैं, उनकी फरमाइश किस तरीके की होती है गाने की? उनकी फरमाइश गानों की होती है, वो बिहारी गाने बजवाते हैं, फिर उनकी तरीके से डांस करो, अगर नहीं करो तो खिसियाते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, पैसे भी देते हैं, तो करना पड़ता है, लड़कियों के हाथ में होती है. ये सिर्फ आप लोगों का यहीं तक होता है, या फिर आप जब ये सोनपुर मेला समाप्त होगा तो इसके बाद फिर आप लोग दिल्ली चले जाएंगे? नहीं, जिस ऑफिस से थ्रू आए ना हम लोग, जिस कंपनी में जो मालिक होते हैं, मैं उनका आर्केस्ट्रा भी चलता है, शाटा वगैरह शादी वगैरह में जो होता है उसमें भी हम लोग करते हैं, मतलब उनका उसमें भी होता है, अगर करना होता है तो करना है, वरना घर वापस चले जाते हैं दिल्ली. ठीक है, बहुत धन्यवाद मुस्कान.